Viewer, in this video I will show you how to create a school timetable for any class in Microsoft Word software like this one. यहाँ पर हमने mention किया है days और top row पे हमने period number और इसके साथ time हमने mention किया है. फिर इसके बाद यहाँ पर break time हमने mention किया है और last three periods और इसके अलावा weekend day ये भी हमने mention किया है इस timetable में. तो किस तरह हम इसको create करेंगे, आइए start देते हैं from a new blank document. New page हम create कर सकते हैं from file tab और फिर इसके बाद लेआउट टेप पर आप चले जाएं. यहाँ से ओरिएंटेशन ऑफ द पेपर दिस विल बी लैंडस्केप, मार्जिन ऑफ द पेपर दिस विल बी लास्ट कस्टम सेटिंग मींस टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट दिस विल बी 2 सेंटीमीटर क्लियर. और फिर इसके बाद साइज ऑफ द पेपर दिस विल बी A4. हेडिंग इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टेप पर मैं जाना चाहता हूँ. यहाँ से वर्ड आर्ट में से जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं. मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया. फिर इसके बाद यहाँ पर मेन हेडिंग आप मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ फाइनल टाइम टेबल. और इसको आप सेंटर पर ले आएँ, यहाँ पर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ द पेज. और फिर इसके बाद यहाँ पर टेबल आप इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इंसर्ट टेप. टेबल पर आप चले जाएँ, इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं. नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आप सेलेक्ट करें, दैट इज़ 9. और फिर इसके बाद ओके बटन प्रेस करें. ओके बटन प्रेस करने के बाद टॉप ऑन रो को मैं मर्ज करना चाहता हूं, इसको आप सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, मर्ज सेल पर आप क्लिक कर सकते हैं. और यहां पर मैं टाइप करूंगा दैट इज़ टाइम टेबल फॉर क्लास 9th 10th, जो भी क्लास आप यहां पर मेंशन करना चाहें आप इजीली मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इसको आप अलाइन करें हॉरिजॉन्टली सेंटर. और इसको मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से साइज़ में चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज़ 14. स्टाइल मैं सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज़ बोल्ड. और इसके अलावा इस रो का हाइट आप चेंज कर सकते हैं. टेबल के कंटेंट्स को मैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूं, दिस वन फ्रॉम द लेआउट टेब. ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, इसका शेडिंग आप चेंज कर सकते हैं. यहां से जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं. ये कलर मैंने अप्लाई किया. फिर यहाँ पर मैं मैंशन करूँगा, टाइप करूँगा डेज एंड पीरियड्स. अब इस सेल के नीचे मैं डेज मेंशन करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और नेक्स्ट वन ट्यूसडे. और इसी तरह वेनसडे आप टाइप कर सकते हैं, थर्सडे भी आप टाइप कर सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे एंड द लास्ट फंडे दिस विल बी संडे. ठीक है, और इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाइन करें टू द लेफ्ट साइड, देन गो टू लेआउट टेब. और रो का हाइट आप चेंज कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा फर्स्ट पीरियड्स और इसके साथ साथ टाइम भी मैं मेंशन करूँगा. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग टाइम दिस विल बी 7 AM और ये मैंने टाइप किया 7:40 तक. मींस हर एक पीरियड के लिए मैंने 40 मिनट्स ये सेलेक्ट किया. और टोटल नंबर ऑफ पीरियड दिस विल बी 7. अब इस टाइम को मैं कॉपी करना चाहता हूँ और इसको मैं पेस्ट करूँगा फॉर एवरी पीरियड्स. फिर इसके बाद टाइम को मैं यहाँ से एडिट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 7:40 to 8:20 और इस तरह थर्ड वन, फोर्थ वन एंड अप टू लास्ट वन. ये रोज़ मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने मर्ज किया, राइट क्लिक एंड मर्ज सेल पर आप क्लिक कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ दैट इज़ ब्रेक दिस विल बी 20 मिनट्स. और इसका टेक्स्ट डायरेक्शन मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन पर आप क्लिक करें, ये डायरेक्शन मैंने सेलेक्ट किया. फिर इसके बाद होम टैब पर आप चले जाएं, यहाँ से टेक्स्ट का जो साइज़ है ये आप चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ बोल्ड. और इसका शेडिंग कलर आप टेबल डिज़ाइन से चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये कलर मैंने सेलेक्ट किया, इस तरह इस सेल के लिए भी मैं चेंज करता हूँ. इसके लिए इसके अलावा यहाँ पर भी मैं शेडिंग कलर अप्लाई करना चाहता हूँ. और इस तरह लास्ट 3 कॉलम के लिए भी, डेज पर भी मैं शेडिंग कलर अप्लाई कर सकता हूं. ठीक है, वीकेंड डेज के लिए मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किए. ठीक है, फिर इसके बाद इस पर मैंने अप्लाई किया मर्ज सेल. और यहां पर मैं मेंशन करूंगा दीज 2 डेज विल बी अ वीकेंड डेज. और इसका साइज और स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज 14. और स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज बोल्ड. इसका शेडिंग कलर आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल डिज़ाइन. इसके लिए ये कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ. ठीक है, फिर इसके बाद मैं मेंशन करूंगा सब्जेक्ट. तो यहाँ पर फर्स्ट वन सब्जेक्ट दिस विल बी इंग्लिश, सेकंड वन विल बी उर्दू, थर्ड वन विल बी फिजिक्स, फोर्थ वन दिस विल बी केमिस्ट्री, फोर्थ फिफ्थ वन बायो,
सिक्स्थ वन कंप्यूटर एंड द लास्ट वन दिस विल बी मैथ्स। और यहाँ पर मैं सिंबल इंसर्ट करूँगा दैट इज़ इक्वल सिंबल, तो इसके लिए मैं जाना चाहता हूँ सिंबल्स पर और यहाँ से सिंबल मैं इंसर्ट करूँगा दैट इज़ इक्वल सिंबल। अब इस सिंबल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पर बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी इसको मैंने पेस्ट किया। सिमिलरली फॉर अदर रोज इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी। और राइट साइड के लिए मैं लास्ट थ्री कॉलम्स को सेलेक्ट करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी, यहाँ पर मैंने क्लिक किया बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस वी इसको मैंने पेस्ट किया। तो व्यूअर इसी तरीके से एक प्रोफेशनल टाइम टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।